आप देख सकते हैं इस मगरमच्छ को कितना विशाल है ये। कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई 18 फीट है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप ट्रैक्टर में ये घुस नहीं पा रहा है, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। ट्रैक्टर के डाले में पूरी तरह से ये नहीं समा पा रहा है। तो ये वही मगरमच्छ है जो डेहरी के रेस्क्यू टीम से नहीं पकड़ा जा सका था और ये नासरीगंज में आकर पकड़ा गया। तो आखिरकार रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई, काफ़ी मशक्क़त के बाद इसे पकड़ा गया। इसे पकड़ने की जो मुहिम थी वो काफ़ी पहले से चल रही थी, कल दोपहर के बाद से ही इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और पूरे 8 घंटे के बाद रात को 8 बजे इसे पूरी तरह से पकड़ा जा सका, जाल में फंसाया जा सका। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर, लोगों की भी जमात है देखने के लिए और काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। दोपहर के बाद से जो पकड़ने की मुहिम शुरू हुई वो शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई। तो रात को 8 बजे मगरमच्छ को जाल में फंसाया जा सका और बाहर उसे, देखिए आप किस तरह से इसे बाहर निकाल रहे हैं खींच कर, जाल में फंस गया है ये और इसे लोग मिलकर बाहर निकाल रहे हैं। ये काफ़ी विशाल है और कहा जा रहा है कि कम से कम 10 क्विंटल इसकी वजन है, यानी कि 1 टन, लगभग 1 टन की वजन है इसकी। हाथी की वजन 3 टन की होती है, तो समझ लीजिए ये कितना विशाल होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ भी लगाए हुए थे, आसपास के गांव के सारे लोग यहाँ पर जुट चुके थे देखने के लिए मगरमच्छ को। आजकल आपको पता ही होगा कि बाढ़ आने की वजह से, जगह जगह बाढ़ आने की वजह से नदियों से मगरमच्छ निकलकर नहरों तक आ गए हैं और काफ़ी जगहों पर फैल गए हैं। तो एक अकोड़ी गोला में भी पकड़ा गया था, और डेहरी में भी देखा गया। डेहरी में जो देखा गया था उसे पकड़ा नहीं जा सका था, वही मगरमच्छ वहाँ से चलकर नासरीगंज यानी कि आरा वाली नहर में पहुँच गया और वहाँ से उसे पकड़ा जा सका। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस सारी रेस्क्यू टीम जो है वो मेहनत कर रही है, कितने उसे खींच रहे हैं तालाब से, वो नहर से निकालने के लिए, तो नहर से बाहर निकाल रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है, इस हज़ारों की भीड़ है यहाँ पर, लोग जमा हुए हैं हज़ारों में देखने के लिए, सिर्फ मगरमच्छ को देखने के लिए। देखिए ये किस तरह से मगरमच्छ को जाल में फंसाया जा चुका है। रेस्क्यू टीम के डॉक्टरों ने मगरमच्छ के बॉडी में GPS का चिप्स लगा दिया है और उसे वो छोड़ने वाले हैं ताकि पता चलते रहे कि वो मगरमच्छ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ विचरण कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और अपने आसपास के खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारा चैनल दुनियादारी एक्स को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।